बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। मौसम में बदलाव के साथ ही उत्तरी क्षेत्र में भारत के साथ साथ राजस्थान में भी मौसम में ठंड देखी गई है। इसी के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से जो हमारे साथ है। तो राजीव गौड़ से जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है। देखिए आयुषी, जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है पिछले 3-4 दिनों से, लगातार जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, सूर्यनगरी जो है जो कोहरे में लिपटी हुई, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भवानी सिंह, आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। और जहाँ तक अगर बात करें तो कम से कम जिस तरीके से पूरी सूर्यनगरी यहाँ से देखी जा सकती है, दूर तक की जो तस्वीरें हैं उनमें भी साफ तौर पर यही जाहिर होता नजर आ रहा है कि अब सर्दी का असर, कोहरे का असर बढ़ना है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जोधपुर का किला, चूंकि हम किले के निकट हैं इसलिए तो किले को देख पा रहे हैं, मगर जहाँ तक बात उम्मीदवार पैलेस की करें, यहाँ से उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है। दूर तक अगर यहाँ से गणेश मंदिर दिखाई देता था, आज वो पहाड़ियाँ कोहरे से ढकी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ये जो सर्दी है ये आती और जाती सर्दी थोड़ी खराब मानी जाती है। इस वक्त जब इसी सर्दी के मौसम में स्वाइन फ्लू आता है, ऑलरेडी जिस तरीके से कोरोना से लोग हैं, अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग सुबह सुबह जो घूमने आते हैं वो किस तरीके से जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। आती हुई सर्दी भी है और सुबह से घूमना भी जरूरी है, लेकिन ये देखिए ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जिसके अंदर साबित होता है कि कोरोना के साथ में किस तरीके से जो लोग हैं वो इसका क्या, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से मौसम कैसा हो रहा है सुबह सुबह? सर मौसम बहुत ही ठंडा है और हम देशवासियों से यही अपील करते हैं कि अपने गर्म कपड़े निकाल के गर्म कपड़े पहने और मास्क जरूरी लगाएं, और बर्फबारी हो रही है तो अपना शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या किस तरीके से कोहरा शुरू हो गया 3-4 दिन से लगातार कोहरे की चादर? अभी 3-4 दिन से मौसम ने पूरी करवट ली है, अभी पूरी सिटी पे कोहरा छाया हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत सर्दी तेज हुई, बर्फीली हवाएं चल रही है। देखिए बर्फीली हवाएं चल रही है, देखिए एक एक जो व्यक्ति है वो इसका कोरोना का भी जो है वो पालना कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो एक एक दो और व्यक्ति से बात करता है, क्या किस तरीके से सर्दी पड़ रही है? कड़ाके की सर्दी है, 4 दिन से सर्दी चालू हो गई है, इस बार जल्दी सर्दी चालू हुई है, इसलिए लोगों को तप करने का प्रोग्राम हमारा बनाया जाता है, प्रतिवर्ष बनाया जाता है और आज से हमने शुरू किया तप। देखिए कि नियमित रूप से रोजाना ये एक रूटीन है जो हमेशा इसी तरह से रूटीन है वो रहता हुआ है। और देखिए अगर इन तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से सूर्य नगरी जो कोहरे में लिपटी हुई है उसके साथ एक और तासीर की बात यह है कि सूरज, सबसे ज़्यादा सूरज यहीं पे उगता है, दिन में तपता है सूरज, मगर सुबह के वक्त और शाम के वक्त की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो है ठंडी हवाएं आती हुई सर्दी लगातार लोगों को जो है वो परेशान करती है। जी आयुषी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब रुख करते हैं आयुषी की तरफ जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, क्या कुछ माहौल अभी जयपुर का है, कोहरे के साथ क्या माहौल बना हुआ है? जी आयुषी, पहले तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि बीते दिनों रविवार को बिन मौसम बरसात के चलते जो ठंड का मौसम एकदम से जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में छाया हुआ है, पूरे राजस्थान में। फिलहाल हम बात करेंगे जयपुर की, आप सड़कों पर देख सकते हैं फिलहाल इतनी अच्छे से नज़र नहीं आ पाएगा, लेकिन सुबह के वक्त जो है कोहरा पूरे सड़कों पर छाया हुआ था। लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत आ रही है, लोगों को हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ रही है, इतना कोहरा वो भी नवंबर के महीने में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ी बात है। बिन मौसम बरसात के चलते ये सब हुआ है। उसके अलावा हम अगर बात करें किसानों की, तो ये जो बारिश और ओले गिरे थे इसके चलते किसानों की फसलों में भी उनको काफी नुकसान हुआ है। जी आयुषी, आपको लगता है कि जो यातायात है वो भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है? आयुषी, हम जयपुर से लाल कोठी के, जी जी शुक्रिया आयुषी इन जानकारियों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको लेकर चलते हैं माउंट आबू की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जानते हैं कि कमलेश से कि क्या कुछ वहां पर माहौल है, क्या कुछ मौसम के जो मिजाज बदले हैं उससे क्या फर्क पड़ा है माउंट आबू क्षेत्र में। देखिए माउंट आबू अमूमन सर्दियों के सीजन में
सर्दियों के लिए ही पहचाना जाता है, क्योंकि माउंट आबू में सर्दी के मौसम में यहाँ पर सुबह के समय बर्फ की परत देखने को मिलती है। इस वक्त का मैं नजारा यहाँ दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त हम माउंट आबू के नक्की झील पर मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आसमान में हल्की सी लालिमा छाई हुई है और सुबह के समय देखिए मेरे सहयोगी जितेन मेरे साथ है और दिखाएंगे कि जो चाय की थड़ी है यहाँ पर, चाय की थड़ी पर लोग सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं गर्म पेय पदार्थों का यहाँ पर रोक कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी माउंट आबू में पिछले जो कई दिन थे उस दिनों से लगभग न्यूनतम 4 से 5 डिग्री तापमान यहाँ पर है, जिसकी वजह से चारों ओर सर्दी का आलम देखने को मिल रहा है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए सुबह सुबह अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी कमलेश, ये बताइए कि वहां पर सर्दी को देखते हुए पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जब सर्दी का सीजन है और एक तरफ दीपावली के जहाँ लगातार छुट्टियां आई, उसके बाद यहाँ पर मौसम के साथ साथ जो पर्यटन सीजन है वो भी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जहाँ गुजरात में दीपावली के मद्देनजर 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी तो माउंट आबू में पर्यटकों की भरमार देखने को मिलेगी। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर युवा वर्ग भी खड़ा है जो कि देखिए गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं, सर कहाँ से आए और कैसी सर्दी है माउंट आबू में? हम आए पाटन गुजरात से। कैसी सर्दी है यहाँ? बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सर्दी से देख सकते हैं कि गर्म कपड़े इन्होंने पहने हुए, सर्दी से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, सर्दी से बचने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। तो यहीं पे कमलेश एक बात और बताइए कि पर्यटन में बढ़ोतरी तो हुई है, तो साथ ही कहीं ना कहीं ये राजस्थान के पर्यटन के लिए क्या ये अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि जो ये सर्दी इस बार नवंबर में है? देखिए माउंट आबू की सर्दी अमूमन दिसंबर में शुरू होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं इसकी वजह से सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दी है। लगभग 5 से 6 दिन बीत चुके हैं और तापमान जहां 4 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र माउंट आबू है और इस माउंट आबू में पर्यटक यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन होता है और सोने पर सुहागा ये कहा जा सकता है कि दिवाली का बम्पर सीजन भी है, जिसके चलते यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और इस बढ़ते पर्यटन के चलते राजस्थान के लिए अच्छे संकेत हैं कि पर्यटक यहां पर आ रहे हैं और राजस्थान के इन खूबसूरत नजारों को देखने का आनंद ले रहे हैं। जी ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा? अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलो तो? मजाक छोड़ो, सच में डिजिटल बाल मेले में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।